मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल यू आर फाइन स्टूडेंट्स जो हमारा प्रीवियस लेसन था लेसन नंबर लिटरेचर पार्ट का था आज आज फिर हम लिटरेचर पार्ट का लेसन नंबर फाइव ले रहे हैं लॉस्ट इन अ शॉप लेसन पढ़ाने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कभी कभी आपके साथ ऐसा बना हो कि आप अपनी मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने गए हो या किसी प्रोग्राम में गए हो या किसी फेयर मेले में गए हो और आप वहाँ पे खो गए हो और फिर आप अपने मम्मी पापा से बिछड़ गए हो तो फिर उस स्थिति में आपने क्या किया या आपने किसी स्ट्रेंजर से बात की या कभी किसी को बोला कि जैसे मैं खो गया या आप रोने लग गए तिज तेज तो फिर आपने क्या किया स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी यू नो अवे फुल सिचुएशंस बट वी हैव टू फाइट विथ bravely or in any situation and this kind of a situation uh, you can do one thing first of uh, first of all you have to uh, remember yeah you have to keep uh, mobile numbers you have to aapko jo aapko you have to <coughs> आपको अपने मम्मी पापा के जो मोबाइल नंबर है वो आपको याद कर लेने चाहिए ताकि क्या होता है कि कभी आपके पास नंबर होंगे ना तो क्या होगा कि आप किसी भी जैसे जैसे आपको विश्वास वाले जो हो या आप जाके जहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में कैशर कैश जहाँ पे ये लोग बेचते हैं वहाँ पे आप जाके अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर सकते हो आप वहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहते हैं माइक्स माइक्रोफोन लगे हुए रहते हैं तो आप अपने माइक्रोफोन के ऊपर भी आप जाके अनाउंस करवा सकते हो कि भाई मेरे मम्मी पापा खो गए हैं मेरा नाम ये है तो सबसे पहले आपको मम्मी और पापा के मोबाइल नंबर याद होने चाहिए कभी भी कोई भी स्थिति में हो तो आप उसको उनको भी वहाँ से कॉल कर सकते हो घबराना नहीं चाहिए किसी भी स्ट्रेंजर्स पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए सीधा जो कंसर्न पीपल होता है आप उनसे बात करो उन्हें अपनी सिचुएशन बताओ उनको मोबाइल नंबर बताओ और अपने मम्मी पापा को फ़ोन करो और या फिर एक हंड्रेड नंबर होता है वो पुलिस का नंबर होता है यदि आपको कोई भी सिचुएशन में कुछ नहीं दिखे तो आप हंड्रेड नंबर डायल करके पुलिस अंकल से हेल्प ले सकते हो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स देखिए बॉब मदर एंड फादर the स्टैंडिंग इन द टॉय शॉप store. They were स्टोर दे to the till एंड paying फॉर समथिंग They did नॉट बॉब लेट what they bought. ठीक है उसके मम्मी पापा कहाँ खड़े हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़े हैं और कुछ क्या okay, पैसा दे रहे हैं और वो कुछ टॉय खरीदते हैं पर वो नहीं चाहते हैं कि बॉब उसे देखे बॉब जस्ट लुक एट टॉय इन दैट विंडोज सेट हिज फादर स्टे देर अंटिल वी कम एंड कलेक्ट यू उसने अपने उसके पापा ने बॉब से बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ जब तक हम नहीं आते हैं बॉब वॉन्टेड टू सी वॉट हिज पेरेंट्स वर बाइंग ही न्यू इट वॉज समथिंग फॉर हिज बर्थडे बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पॉल द सरप्राइज सो ही एग्रीड टू स्टे बिहाइड और उस बॉब को नहीं देखना बॉब को जानना था कि उसके पाप, मम्मी पापा ने उसके लिए क्या खरीदा है लेकिन बॉब अपनी मम्मी पापा का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था इसलिए वो वहाँ पे खड़ा रहने के लिए एग्री हो गया आफ्टर समाइम्स बॉब ग्रू टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द टॉयज ही थाट दैट हिज मदर एंड फादर मस्ट है फिनिश देर शॉपिंग सो ही टर्न आर राउंड टू सी वॉट दी फर तभी उसकी उसको लगा कि वो पता है हम जब टेन मिनट्स हो जाते हैं हमको कोई का वेट करना पड़ता है तो हम टायर्ड हो जाते हैं तो हम इधर उधर घूमने लग जाते हैं तो वो बॉफ भी टायर्ड हो गया तो उसको लगा कि मैं अपने मम्मी पापा के पास चला जाता हूँ और अभी तक तो उन्होंने अपनी शॉपिंग फिनिश कर दी होगी तो वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है वहाँ पे क्या देखता है कि मैं उसकी मम्मी पापा नहीं है उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं है सिर्फ कैशियर खड़ी है जो कि पैसे लेती है ठीक है बट देर वॉज नो वन एट टेल देर वॉज ऑनली द लेडी हु टुक द मनी बॉब लुकड राउंड ऑल द साइड्स ही लुक डाउन एवरी नाउ ऑफ शेल्स इन द टॉय शॉप्स ही कुड नॉट सी हिज पेरेंट्स एनी वेर दिस वॉज फुल he stood in the middle of the shop and began to cry. Suddenly, Bob felt a hand on his shoulder. What is the matter, dear? What is the matter, dear? said a kindly voice. Bob looked around. tabhi Bob ने जब देखा कि वहाँ पे cashier lady थी, वो ही थी उसकी mummy papa नहीं थे, उसने herself के toys की जो herself होती है, उसने वहाँ पे जाके देखा लेकिन उसे उसे मम्मी पापा नहीं मिले तो उसने क्या किया कि सब जगह देखना चालू कर दिया और वो एकदम घबरा गया तभी उसको लगा कि उसके पीछे किसी शौल्डर ने शौल्डर पे किसी ने हाथ रखा है और पूछ रहा है कि बेटा मैटर क्या है हैड बीन सिटिंग एट मम्मी एंड डैडी आज दैडी बॉब हैड ऑलवेज बिन टू स्ट्रेंजर्स उसने बोला कि आपने अपने मम्मी पापा को खो दिया है अब लेकिन बॉब को बोला गया है कि कभी स्ट्रेंजर से बात मत करो तो उसने अपना सर हिला दिया और लेकिन आंसू उसके आंसू उसकी दास्तान बया कर गए और आंसू उसकी आंखों में से छक गए डोंट मरी डोंट यू वरी डियर सेट द का लेडी यूज असिस्टेंट डर आई विल सुन एंडर उसने बोला चिंता मत करो हमें जल्दी ढूंढ लेंगे बॉब डिड एज ही टोल्ड बट ही कुड नॉट हेल्प क्राइम ही है उस लेडी ने बोला बॉब ने वैसा ही किया लेकिन बॉब ने कभी अपने आप को इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था सडनली ए वॉइस केम ओवर द लाउड स्पीकर विच वर प्लेस्ड अराउंड द शॉप तभी क्या होता है एक आवाज आती है लाउड स्पीकर से लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव ए लिटिल बॉय इन आर्स इन टॉय शॉप ही हैज लॉस्ट हिज मदर एंड फादर ही इज वायरिंग अ ब्लू कार्ट एंड ए ग्रेट ट्राउजर्स He is about फाइव years old. But Bob was cross when he heard this. I'm not नॉट I'm आई I'm going in एम next week. He shouted. तभी स्पीकर पे आओ जो आवाज आती है लाउड स्पीकर पे कि भाई लेडीज एंड जेंटलमन हमारे पास एक बच्चा है जिसने ब्लू कॉट और ग्रे ट्राउजर पहन रखा है और वो पाँच साल का है तब बॉब को लगा नहीं मैं पाँच साल का नहीं हूँ मैं नेक्स्ट वीक कितने हो सिक्स ईयर का कंप्लीट हो जाऊँगा Yes, yes we know you are going to be seven next week," said a voice which Bob knew very well. He turned around and saw his mother standing behind him. उसने बोला yes हमें मालूम है अब सात साल के हो जाएंगे लेकिन यह voice तो जानी पहचानी थी उसने पूछे मुड़के देखा तो कौन खड़ा था उसकी mamma वेर हैव यू वीन क्राइड बॉब जब मम्मी खो जाती है तो एकदम लॉके बोला अरे कहाँ गई थी आप वी आर डूइंग स्पेशल वेरी स्पेशल एंड बॉब समाद आई एम सो सॉरी यू गॉट वर इट वी आर ऑनली अन उदर पार्ट ऑफ द शॉप वी हैव टोल्ड द लेडी एट द टिल टू कीप एंड आई ऑन यू उसने बोला हमने उस लेडी को बोला ताकि आपका ध्यान रखें हम इसी दुकान के दूसरे हिस्से में थे वॉट वार यू डूइंग मम स्ट बॉम हीट ड्राइड हिज आइज उसने आँखें पोसे बोला आप क्या कर रही थी यू विल फाइंड आउट योर बर्थडे माई लैड सेट बॉब फादर हु हैड जस्ट रिस्ट देर जो हम आपकी बर्थडे के लिए ढूंढ रहे थे वो अभी पहुंचा है बॉब फाउंड आउट हिज पेरेंट्स सीक्रेट व्हेन ही ओपन द बॉक्स ऑफ हिज पेरेंट्स प्रजेंट्स द नेक्स्ट वीक they had told him lots of times they were uh, sorry to have left him alone in the toy shop and when he saw uh, where uh, they had bought for him he was so happy uh, वो बहुत उसके मम्मी पापा ने बोला कि देखो मैं, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं हमने तुमको अकेला छोड़ दिया और फिर उसके मम्मी पापा ने दिखाया कि वो बॉब के लिए क्या लाया तो बॉब बहुत खुश हो गया आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम आई एम प्राउड ऑफ यू डैड बट कैप सेंग द होल्ड डे है ना तभी फिर मम्मी उसके वो अपने मम्मी पापा को बोल रहा था अरे पापा हम आपके ऊपर प्राउड करते हैं आई एम जस्ट प्राउड ऑफ़ यू आई आम जस्ट प्राउड ऑफ़ यू तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी कि हाँ क्या थी कि इसमें क्या था लेसन में कि बॉब एक फाइव इयर्स का बॉय था जो कि डिपार्टमेंट स्टोर में अपने पापा के साथ में अपने बर्थडे के लिए टॉर्च खरीदने गया था और वहाँ पे उसके पापा ने खड़े होने के लिए बोला था लेकिन वो खड़ा नहीं रहा और अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगा और उसी चक्कर में वो उनसे थोड़ा सा अलग हो गया मतलब ही खोया मैं वो खोया नहीं था थोड़ा अलग हो गया लेकिन पाँच साल का बच्चा होने के कारण वो उसको लगा कि उसके मम्मी पापा उसको यहीं छोड़ गए हैं लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके मम्मी पापा उसके सामने आ गए और उसको समझाया कि हम तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं गए थे हम यहीं थे और उसके बाद में उससे एक्सक्यूज किया उसने माफ़ी मांगी और उसके बाद में उसने जो प्रेजेंट खरीदा था जो कि उसको सरप्राइज़ देने वाले थे उसको खोल के दिखाया तो बहुत बड़ा खुश हो गया और वो बोला था आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना तो स्टूडेंट देखिए स्टोरी में लिखा है कि जैसे यदि आपके मम्मी पापा इंस्ट्रक्शन देते हैं मे भी आप बोर हो रहे हो लेकिन आप वहाँ से हटिए मत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आइस मिस होने की वजह से या कुछ सेकेंड्स मिस होने की वजह से आ, हमारे साथ इंसिडेंट्स हैपन हो सकते हैं तो प्लीज़ यू जस्ट डू एज योर एज पर योर मम्मी एंड फादर इंस्ट्रक्शंस ओके ठीक है ना एंड समटाइम्स यू नो वी आर गोइंग विथ स्कूल टूर या समथिंग स्कूल टूर पिकनिक सो दैट टाइम टीचर्स आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस सम प्रोटोकॉल्स सम रूल्स एंड रेगुलेशन्स की जस्ट फॉलोअर्स वी आर काउंटिंग बिकॉज ऑफ दिस कि यू आर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज यू चिल्ड्रन आर आवर रेस्पांसिबिलिटीज सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ यू एंड युअर बिलोंगिंग्स सो एज पर तो यू हैव टू लिसन द टीचर इंस्ट्रक्शन वैन यू आर गोइंग विथ पिकनिक वैन यू आर गोइंग विथ युअर पेरेंट्स प्लीज लिसन टू युअर पेरेंट्स

Put a cross against each statement. Bob asked the lady at the till where his parents were. The lady told Bob that his parents were in another part of the store. The lady at the till Bob and his parents. Bob asked his parents to buy a birthday present for him. Bob's present told parents, sorry, Bob's parents told him that they were buying a birthday present for him. So you have to find all the statements, all the

है ना जब प्लू शेल्फ होता है जब प्लूरल होता है तो एफ हटा के क्या लगा दिया जाता है वी ई एस वरी सरप्राइज सडनली अराउंड हीयर सरप्राइज एस यू आर पी आर आई एस ई नॉट जेड ई अफरेड विंडो शॉपिंग प्राउड हियर शॉपिंग डबल पी आता है एस एच ओ डबल पी आई एन जी वॉइस वायरिंग बर्थडे ट्राउजर इधर ट्राउजर की स्पेलिंग है टी आर ओ यू एस ई आर एस स्पेशल स्ट्रेंजर्स स्टीम स्ट्रीम पेरेंट पेरेंट की स्पेलिंग पेरेंट्स uh, होता है पी ए आर ई एन टी एस ठीक है इधर हार्ड शोल्डर मिडिल कलेक्ट ये एच ई ए आर डी होता है नो की ई डी ठीक है सम आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस एंड सम टूल्स

बोला जाता है अंडरस्टूड स्टूडेंट्स नाउ ग्रामर इन यूज ग्रामर इन यूज आई हैव पैर माई नेल्स हैव यू पैरड योर नेल्स आई हैव पॉलिश माई शूज हैव यू पॉलिश योर शूज आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क Have you finished your homework? I have read today newspaper. Have you read you have you read newspapers? Now rearrange the word to make sentence. Time have I don't to st stop. I don't have time to stop. I don't have time to stop. As fast as could she run she. She run as fast as she could. ऑलवेज वेरी नर्वस वॉज शी शी वॉज वेरी शी वॉज ऑलवेज वेरी नर्वस अंडर ए ट्री आई वॉज पाम ट्री रेस्टिंग आई वॉज रेस्टिंग अंडर ए पाम ट्री ठीक है स्टूडेंट ये होगी ग्रामर नाउ स्पीक वेल लिसन प्लीज ये सब एक्सरसाइज आपको यू हैव टू डू बाई योर साल स्टूडेंट्स आपकी जो भी इसमें हार्ड uh, वर्ड्स है आप उसे अंडरलाइन कीजिए इसमें बहुत सारे कंजक्शन्स आ रहे हैं बहुत सारे कॉन्ट्रक्शंस है वी आर जस्ट फाइंडिंग नाउन्स अंडरलाइंस द नाउन्स वर्ब्स है तो यू you नो know, कि वैन वी वैन यू आर रीडिंग द लेसन यू जस्ट फाइंड आउट वॉट इज नाउन वॉट इज प्रो नाउन वॉट इज वर्ब वॉट इज कंजक्शन वॉट इज कॉन्ट्रक्शन फॉर्म

आपको उस लेसन्स में जब आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर सब टेक्स्ट बुक के अंदर से आ रहेंगे तो वो आपको अपने आप से फाइंड आउट करना है है ना और उसके बाद में जब से ही फाइंड आउट और उसके बाद में आप अपने स्टडी नोट्स या किसी की हेल्प से आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स नाउ दिस डेज वॉट इज़ हैपनिंग कि आप लोग स्कूल नहीं आ रहे तो आप घर में होमवर्क कर रहे हैं बट आप अपनी राइटिंग को बहुत स्पॉइल कर रहे हैं तो आई जस्ट बैक टू यू एंड आई वॉन्ट टू ट्रायल यू कि प्लीज डोंट स्पेल योर राइटिंग देखिए स्पेल का चीज़ स्पेल बहुत एक मिनट में हो जाती है लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट में बहुत टाइम लगता है यदि चीज़ स्पेल नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं चाहिए होगा तो प्लीज़ डोंट स्पेल योर राइटिंग वेन एवर यू आर राइटिंग इन योर होम यू जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज़ योर वर्क यू हैव टू वर्क विथ नीट एंड क्लीन एंड टाइड Uh, way okay, so I hope you understood what I want to say. Thank you.